दिव्या, दिव्या, नितिन, कहाँ चले गए सब के सब? नितिन, पता नहीं कहाँ चले गए सब के सब। दिव्या, दिव्या, छत का दरवाजा खुला है और ये पता नहीं कहाँ गए। दिव्या, 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 अरे हाँ, दिव्या, अरे दिव्या, 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 अरे दिव्या, 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 दिव्या उठो, दिव्या उठो, मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना। दिव्या उठो, दिव्या, पांडे जी। सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और फॉलो द यूजुअल प्रोसीजर। पारुल जी सर, फॉरेंसिक टीम को फोन करो और इनकी हर एक पर्सनल बिलोंगिंग के ऊपर जो भी फिंगरप्रिंट्स मिले, ठीक है, सब चीज फॉरेंसिक टीम को भेजो। ओके सर। हेलो एम्बुलेंस, एक लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, वहाँ पे आ जाओ आप। अनिल, मुझे फोटोग्राफ्स भी एकदम डिटेल में चाहिए, कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए, जल्दी आ जाओ, ठीक है। हेलो फॉरेंसिक, आई डोंट वांट यू टू मिस आउट ऑन एनीथिंग। ओके सर। सर हाँ, मेरी वाइफ ये नितिन कौन है? सर वो मेरा भाई है। कहाँ है अभी? वो बाहर गया, मैंने उसे भी कॉल किया, आ ही रहा होगा। क्या हुआ भैया, इतना अर्जेंट क्यों बुलाया है? भाभी, भाभी को क्या हुआ? भाभी को क्या हुआ? चल इधर चल। हाँ, क्या किया तूने? क्या किया सच बताओ। सर मैंने कुछ नहीं किया, सर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तेरा सारा कच्चा चिट्ठा ना भाभी ने उस सुसाइड नोट में खोल दिया है। सच बता, क्या किया तूने? सच बता, सर बता, सच बता, बता, बता रहा हूँ सर, बता, बता दो। आशीष भैया काम के सिलसिले में हमेशा बाहर रहते थे, मुझे ड्रग्स की लत थी इसलिए मैं सही और गलत का फैसला नहीं कर पाया और भाभी को गंदी नजर से देखने लगा। अरे नितिन, ऐसे क्यों देख रहे हो तुम? क्या हुआ, कुछ काम है क्या मुझसे? जी भाभी, काम तो है पर समझ में नहीं आ रहा है कैसे कहूँ। क्यों, क्या बात है, बोलो ना। भाभी आप मुझे बहुत पसंद हो। क्या? मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और मैं आपको हमेशा देखता रहता हूँ। नितिन, आने दो तुम्हारे भैया को, तुम्हारी ये सारी हरकत बताती हूँ। नहीं प्लीज भाभी, भैया को मत बताना भाभी, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। सॉरी सॉरी भाभी, प्लीज भैया को मत बताना, सॉरी भाभी।
ठीक है, लेकिन दोबारा ऐसी हरकत की ना तो मैं उनको सब बता दूंगी, समझे तुम? सॉरी। ठीक है, फिर मैं जाता हूँ। जी। अपना ख्याल रखना, कोई भी दिक्कत हो तो फोन करना। ठीक ठीक है, किसी प्रकार की। और हाँ, और खाना पीना टाइम पे खाते रहना, पतली हो गई हो। ठीक है। और हाँ तू, दिन भर जो तू इधर उधर घूमता है इसका याद रखना, शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। अपना ख्याल रखना और भाभी का भी। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ गया ना। चलो चल बाय। क्यों? एक्चुअली नितिन नाम के लड़के ने कॉल किया था हमारे कंपनी में वाईफाई ठीक कराने के लिए, लेकिन तुम यहाँ कैसे? मैं नितिन की भाभी हूँ, लेकिन इस वक्त घर में अब कोई नहीं है, तुम चलो जाओ यहाँ से। लेकिन तुम कैसी हो? अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है, तुम तो अपना वादा नहीं निभा पाए। देखो दिव्या, ऐसी बात नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, उस वक्त कुछ हालात ही ऐसे थे कि तुमसे मैं शादी नहीं कर पाया, लेकिन मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना उस वक्त करता था। देखो, मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करना है, तुम जाओ यहाँ से, अगर कोई देख लिया ना तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लीज जाओ यहाँ से। लेकिन वाईफाई तो ठीक करा लो। मुझे कोई वाईफाई ठीक नहीं करवाना है, तुम निकलो। अरे नितिन छोड़ो मुझे। क्यों? क्यों? नितिन छोड़ो मुझे। क्या नितिन? क्यों? सुनो भाभी, और तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तुम्हारे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड की बात भैया को बता दूंगा, समझी? तुझे जो करना है कर ले, जिसको बताना है बता दे, लेकिन मैं तेरी बात कभी भी नहीं मानूंगी। ना तो पड़ेगा भाभी, बताने का तरीका हमें आता है। छोड़ो छोड़ो छोड़ो।
भाभी किसी को कुछ बताने की कोशिश की ना ये वीडियो ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा, ठीक है ठीक है। हाँ मान मिल जाएगा उसको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है बताता हूँ। हाँ बोल भाई, कितना? 2 ग्राम। पैसे? भाई पैसे तो नहीं मेरे पास, बाद में। देख भाई दोस्ती अपनी जगह पे है, धंधा अपनी जगह पे, तो मुझे पैसे दे मैं तुझे माल दूंगा। भाई मेरे भैया अभी घर पे नहीं है, मैं बाद में दे दूंगा। भाई बोला ना, बोला ना, पैसे दे माल लेके जा, चल निकल यहाँ से। भाई मेरा मोबाइल रख लो। अबे ऐसे मेरे पास 10 फोन पड़े हैं, क्या करूँ इसका, मैं क्या करूँगा मैं। भाई ऐसा हो सकता है कि माल के बदले माल मिल जाए? क्या बात कर रहा है, तुम ये माल देखो ना। कौन है ये? मेरी भाभी है, तुम इसके साथ जो करना है करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी? भाई मैंने बोला ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ले चल भाई, बाय। ये ले उधर जाके बैठ, मैं आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। अबे तेरा माल खत्म हो गया, मेरा माल? हाँ चल ना। भाई रुको रुको, चप्पल तो डाली रहेगी। चलो भाई इधर से लेफ्ट, ये वाला। हाँ भाई तू रुक, मैं भाभी को रेडी करके आता हूँ। नितिन नितिन दो ना मुझे वो दवाई, वो दो ना मुझे। ये वाली? हाँ हाँ। नितिन 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 दो ना। बस बस भाई जा, भाभी रेडी है। ऊपर से लेफ्ट में गेट, ठीक है।
हाँ भाई, कब तक डिलीवरी होगा? ठीक है, माल अच्छा था? हाँ भाई, बहुत अच्छा माल था, मजा आया। भाई माल चाहिए था। हाँ, अपना रेगुलर कस्टमर है। ये ले, चल जा। जी भाई, थैंक यू। छोटू, मत किया कर ये सब, ऐसा छोटकू मोटकू लोगों को मत दिया कर, किसी दिन प्रॉब्लम में फंस जाएगा, छोड़िए सब। ठीक है भाई, अंदाज ख्याल रखूंगा। मेरी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो चुकी है, जिसका जिम्मेदार नितिन है। नितिन ने मुझे जबरदस्ती ड्रग्स देकर मेरे साथ रेप किया और अपने दोस्तों से भी करवाया। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। मिस्टर आशीष, इसकी सजा इसे कानून देगा। कंट्रोल योर इमोशंस। पांडे जी सर, ले जाओ। ओके चल।